जंग अगर हथियारों से जीती जा सकती तो रूस ने यूक्रेन को कब का जीत लिया होता। एटमी हथियारों की धमकी देकर भी वो यूक्रेन को डरा नहीं पाया है। अब बाल्टिक सागर में वॉर रिहर्सल के दौरान रूस ने फिर परमाणु हमला करने की इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका किया है। युद्ध जीतने के लिए रूसी सेना इस कदर बेचैन है कि उस पर अनाज लूट के आरोप तक लग रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए हंगर बॉम्ब, रूस का नया वेपन। रूस यूक्रेन युद्ध ने कई मुल्कों के नकाब उतार दिए। यूक्रेन का साथ देने का दम भर रहे देश रूस से जमकर कारोबार कर रहे हैं। रूस पर बैन लगाने का झांसा देकर यूरोप के देशों ने अपना अपना खजाना भरा है। किसी ने तेल खरीदा, किसी ने गैस खरीदी, कोई रूस के अनाज पर पल रहा है, किसी ने रूस के खाद्य तेल को जुटाया। नतीजे में रूस यूक्रेन में बारूद झोंकता गया, एक एक कर यूक्रेन के इलाके कब्जे में लेता गया। आधे से ज्यादा यूक्रेन को रौंद चुकी रूसी फौज चुन चुन कर ठिकाने तबाह कर रही है। यूक्रेन के सैन्य अड्डे, यूक्रेन के तेल भंडार, यूक्रेन के इंडस्ट्रियल एरिया को मिसाइल हमलों से तहस नहस करने के बाद रूस का नया टारगेट यूक्रेन के खाद्यान्न भंडार है। रूसी फौज यूक्रेन के अनाज गोदामों को तबाह करने लगी है। रूस का भूख बम, तड़पा कर जीतेंगे जंग। यूक्रेन पर रूस करेगा राज, मुल्क दाने दाने को मोहताज। यूक्रेन पर हंगर स्ट्राइक, ब्लास्ट एट ब्रेड बास्केट। बम चलाकर रूस को जीत नहीं मिली, मिसाइल बरसाकर भी रूस नहीं जीता, लेकिन हंगर स्ट्राइक से यूक्रेन में हाहाकार मचना तय माना जा रहा है। रूस की सेना अनाज भंडारों को बारूद बरसाकर खाक कर रही है। ये मिसाइल अटैक यूक्रेन के नेप्रो का है, जहां यूक्रेन के फूड गोदाम को उड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, रूसी बख्तरबंद गाड़ियों से 400,000 टन गेहूं के चोरी के दावे भी किए गए हैं। जिन ट्रकों से अनाज ले जाया गया उन पर रूस की सेना का जी निशान साफ साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन के मुताबिक ये अनाज उन गोदामों से ले जाया गया जहां से राशन सप्लाई जारी थी। ये स्टोरेज अगली फसल तक यूक्रेन का पेट भरने का काम करते आ रहे थे। रूस पर आरोप है कि जितना ट्रकों में भरा जा सका उतना अनाज वो ले गए, बाकी को बारूदी धमाके से राख में मिला दिया। युद्ध की वजह से यूक्रेन में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी खस्ताहाल हो चुकी है। यूक्रेन सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सूरजमुखी तेल के उत्पादन में 60% हिस्सेदारी रखता है। तुर्की और मिस्र अपनी जरूरत का 70% गेहूं यूक्रेन से आयात करते हैं। यूक्रेन चीन का प्रमुख मक्का सप्लायर है। युद्ध की वजह से यूक्रेन से दुनिया भर में तेल और गेहूं की सप्लाई ठप हो चुकी है। जो अनाज यूक्रेन में बचा है उस पर भी डाका पड़ रहा है, जिससे आगे चलकर यूक्रेन दाने दाने के लिए मोहताज हो सकता है। वहीं युद्धकाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े दाम ने रूस को मालामाल कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एलएनजी की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रूस ने पश्चिमी यूरोप को प्राकृतिक गैस की बंपर सप्लाई की। क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा खरीद जर्मनी और अमेरिका ने की। रूस पर बैन का ढकोसला करने वाले इन देशों ने यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा। युद्ध खत्म होने तक खस्ता हाल हो चुके यूक्रेन की हालत क्या होगी ये बताना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।